बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 से रिलेटेड है, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहेंगे कि बेसिकली सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ये दोनों ही रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो हमें देखना होगा। बेसिकली सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट के जहां पर भी कोई पार्टी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना चाहती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब ये होगा कि वहां पर वो सिंपल पोजेशन रिकवर नहीं करेंगे, बल्कि वो साथ साथ ये भी कहेंगे कि वो उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सिंपल एक प्रोसीजर गिवन है सेक्शन 8 में, एंड दैट इज कि जो भी प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में लिखा गया है, उसी प्रोसीजर के तहत वो प्रॉपर्टी रिकवर कर ली जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 9 बेसिकली इट इज अ समरी प्रोसीजर। जहां पर भी बात आएगी समरी प्रोसीजर की, वहां पर एक चीज हमें याद रखना है कि वहां पर डिटेल्ड एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होता, और वो बिल्कुल एक शॉर्ट सी प्रोसीडिंग होती है, जो कि एक नॉर्मल सूट से दावे से, जो कि नॉर्मली काफ़ी लंबे पीरियड तक चलता है, उसकी निस्बत ये एक शॉर्टर पीरियड के लिए होगा। मुमकिन है एक या दो तारीखों में, एक दो डेट्स में, पेशियों में इस केस का फैसला हो जाएगा। सेक्शन 9 में पॉइंट नंबर 1 ये होगा कि जहां पर किसी भी पार्टी को उसकी मर्जी के बगैर विदाउट हिज कॉन्सेंट और अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी कि उसको प्रॉपर्टी से तो आपने निकाल दिया, लेकिन उसके अंदर ड्यू कोर्स इस्तेमाल नहीं किया, कानूनी तरीक़ेकार इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यहाँ पर कोई भी बंदा वो कानून को अपने हाथ में लेगा, तो डेफिनेटली इस चीज़ की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। और इसी वजह से सेक्शन 9 के अंदर एक इंक्वायरी प्रोसीजर कोर्ट को, सिविल कोर्ट को एम्पावर किया गया है कि वो इंक्वायरी होल्ड करेगी, और उस इंक्वायरी के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ये नहीं देखा जाएगा कि जो प्लेंटिफ है उसका एक्चुअली पोजेशन का राइट बनता है या नहीं बनता। वहां पर क्वेश्चन ऑफ टाइटल टोटली इररेलेवेंट होगा, बल्कि ये सिर्फ एक सूट फॉर पोजेशन हम फाइल करेंगे, रिकवरी ऑफ पोजेशन, और इसके अंदर टाइटल अपना सस्टेन नहीं किया जाएगा। मीनिंग देयर बाय कि जहां पर एक बंदा अगर उसकी प्रॉपर्टीज को से पोजेशन ले ली गई है जबरदस्ती, और वो प्रॉपर्टी का मालिक भी है, उसका एक टाइटल भी बनता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पार्टी सेक्शन 9 के तहत नहीं आएगी, बल्कि वो सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ के तहत एक सिविल सूट फॉर पोजेशन फाइल करेगी। उसके साथ वो डिक्लेरेशन भी हो सकता है, और बाकी जो रिलीफ्स गिवन है वो भी उसमें वो मांग सकता है, लेकिन मेनली दैट विल बी सूट फॉर पोजेशन। वो ये कहेगा कि मुझे पोजेशन रिकवर करके दी जाए, और जो डिफेंडेंट है वो जबरदस्ती इसके ऊपर काबिज है, जबकि ये प्रॉपर्टी की मिल्कियत मेरे नाम है। जबकि सेक्शन 9 में ऐसी कोई बात नहीं होगी, उसके अंदर ये जरूरी नहीं है। इवन ये भी हो सकता है कि एक्चुअली जो डिफेंडेंट है केस का, जिसने प्लेंटिफ को प्रॉपर्टी से बाहर निकाला, वही मालिक होगा, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो प्लेंटिफ है उसकी उसका कोई राइट नहीं बनता उस प्रॉपर्टी में स्टे करने का, लेकिन इन सब चीज़ों से कता नजर होकर वो फिर भी एक सूट फॉर पोजेशन सेक्शन 9 के अंडर वो फाइल कर सकता है। और उसकी जो लिमिटेशन है वो आर्टिकल स्केजुअल 1 आर्टिकल 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत 6 महीने बनती है, यानी कि सेक्शन 9 के अंडर जो सूट फाइल किया जाएगा उसके अंदर प्लेंटिफ ने सिर्फ ये जाकर बताना है कि 6 महीने के अंदर अंदर मुझे, या 6 महीने ख़त्म नहीं हुए अभी और मुझे इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है, और जो डिस्पोजेशन का तरीक़ेकार है वो बाय अडॉप्टिंग वे ऑफ लॉ नहीं था, बल्कि अदर देन द लॉ है, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक किराएदार है वो किसी प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो डिफॉल्ट करता है या कोई और ग्राउंड अराइज होती है एविक्शन के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी बंदा उसका सामान उठाकर ये नहीं होगा कि वो बाहर फेंक देगा, बल्कि इसका प्रॉपर तरीक़ेकार ये है कि एक एविक्शन पिटीशन फाइल की जाएगी रेंट कंट्रोलर के पास, और ये ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है जो कि लॉ के अंदर गिवन है। इसी तरीके से जहां पर भी एक बंदे का राइट नहीं बनता किसी प्रॉपर्टी में रहने का,
और उसके बाद वो बंदा वहां पर फिर भी रह रहा है, तो जिस बंदे का राइट बनता है वो फिर भी लॉ अपने हाथों में नहीं ले सकता, बल्कि वो कोर्ट के अंदर जाएगा और कोर्ट के जरिए से उस प्रॉपर्टी को एविक्ट करवाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन मौजूद है सेक्शन 9 में, वो ये है कि ये सूट फाइल नहीं किया जा सकता अगेंस्ट द गवर्नमेंट फेडरल और प्रोविंशियल। और इसके अलावा एक और रिस्ट्रिक्शन मौजूद है, वो ये है कि जहां जो भी ऑर्डर होगा सेक्शन 9 के तहत सूट फाइल किए हुए का, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अपील और रिव्यू उसके अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि जहां पर अपील नहीं होती वहां पर रिवीजन होती है, तो वो पार्टी जो एग्रीव्ड है ऐसे सिचुएशन में वो रिवीजन कॉम्पिटेंट कोर्ट के आगे फाइल कर सकती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।